देखिए, जब भी हम लोग गुड्स बेचते हैं, गुड्स सॉल्ड फॉर कैश, ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश को इंक्रीज करते हैं और गुड्स को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। लेकिन जब हम लोग का गुड्स सेल करेंगे और कॉस्ट प्राइस भी दिया रहेगा और सेलिंग प्राइस भी दिया रहेगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी दिया रहेगा और सेलिंग प्राइस भी दिया रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम लिए हैं कि गुड्स सॉल्ड फॉर कैश, कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट प्राइस हम लोग का दिया है 10,000 और सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 15,000, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग का होगा, देखिए, सबसे पहले कैश तो इंक्रीज करेगा, ये तो फिक्स है, और गुड्स भी हम लोग का डिक्रीज करेगा, ये भी हम लोग का डिफिनिट है। लेकिन इसमें होगा क्या बताते हैं, जितना का कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा गुड्स में माइनस करना है, कॉस्ट प्राइस को, ये हम अभी लिख दे रहे हैं, इसको दोबारा लिखने, जिसमें हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग इसको लिखेंगे नहीं। और जितना में हम लोग सेल करेंगे, सेल्स प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, कैश में प्लस करेंगे, सेल्स प्राइस को कैश में हम लोग प्लस करेंगे, एकदम याद रखना है। कभी भी अमाउंट अगर चेंज भी हो जाता है हम लोग का, कि अमाउंट चेंज भी हो गया, तो हम लोग को यही काम करना है, सेलिंग प्राइस को कैश में प्लस करना है, और गुड्स में हम लोग क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस रहेगा उसको गुड्स में माइनस करना। कितना प्रॉफिट हुआ, देखिए, सेल कॉस्ट प्राइस हम लोग का 10,000 और सेलिंग प्राइस कितना है, 15,000, ठीक है। तो 5,000 का हम लोग का प्रॉफिट हुआ, वो कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 5,000, प्रॉफिट को क्या कर देंगे, प्लस, लॉस रहता तो माइनस। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान देना है कि ये काम हम लोग को तभी करना है जब गुड्स सेल कर रहे हैं और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तब, नहीं तो इतना कोई ज़रूरत नहीं है। तब अगर सिंपल क्वेश्चन रहेगा तो कैश प्लस और गुड्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कब हम लोग ऐसा करेंगे, जब कैश कैश प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दिया रहेगा तब, नहीं तो करने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लोग को एक बताते हैं कि अगर गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पर और कैश प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि अगर हम लोग गुड्स बेचते हैं राम को, कॉस्ट प्राइस हम लोग का दिया है 5,000 और सेलिंग प्राइस कितना दिया, 8,000। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन बनाए उसमें क्या था कि हम लोग कैश में सेल किए थे, इस बार हम लोग किस में कर रहे हैं, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। तो हम लोग को करना क्या है, तो हम बताए थे आप लोग को कि कभी भी, एक चीज़ तो फिक्स है कि गुड्स हम लोग का डिक्रीज होगा, गुड्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रॉफिट जो होगा वो कैपिटल में प्लस भी होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा तो माइनस। लेकिन इसमें एक चीज़ हम लोग को क्या ध्यान देना है कि गुड्स हम लोग बेचते किसको है, अगर क्रेडिट पे बेचते हैं तो हम लोग किसको बेचते हैं, डेटर्स को, और डेटर हम लोग के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। मतलब जो काम हम लोग उसमें कैश में किए थे उस काम को हम क्या करेंगे, हम लोग इस बार डेटर में करेंगे। तो इसमें फिर वही बात है कि इसमें कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, गुड्स में हमेशा कॉस्ट प्राइस है, जितना में बेचे हैं सेलिंग प्राइस और डेटर में, तो हम लोग का डिफरेंस कहाँ आया, सिर्फ यहाँ पर, उसमें कैश था इसमें डेटर है। और आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि हम लोग कभी भी गुड्स किसको बेचते हैं, डेटर को, खरीदते हैं क्रेडिटर से। तो ये हम लोग का हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग का रहता है, तो हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन को जितना हो रिपीट करके देखिए, ठीक है।